ये चलान बिल्कुल बंद कर दिया जाए आज से। हम प्रशासन से बार बार हाथ जोड़ कर विनती करते हैं। चलान काटने से क्या होगा, लोगों में दहशत फैल जाएगी, लोग घर से निकलना बंद कर देंगे। वहाँ पे कस्टमर आके उसका मास्क नहीं है तो दुकानदार का चलान क्यों हो, क्यों हो? मुझे ये लगता है भी प्रशासन को अपना चलान ना काट के अगले का फाइनेंशियल नुकसान ना करके केवल और केवल एजुकेट करना चाहिए। मुद्दा चर्चा में है। चंडीगढ़ में पुलिस प्रशासन द्वारा पूरे चंडीगढ़ में लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने के लिए जो दिखाई गई सख्ती है, लोगों पर दिखाई गई सख्ती है, उसको लेकर अभी फिलहाल 20 सेक्टर की मार्केट में लोगों के चलान काटे गए, व्यापारियों के चलान काटे गए। ये जो व्यापारियों के चलान काटे गए हैं, किस तरह का ये न्याय संगत है सोशल डिस्टेंसिंग को पालन करवाने को लेकर, आज हम चंडीगढ़ के विभिन्न एरियों में व्यापारी वर्ग से उनकी राय जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मैं नरेश कुमार, फर्नीचर एसोसिएशन प्रधान। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहता हूँ कि ये एक पूरे विश्व में महामारी है, इसको महामारी की तरह लें। और ये प्रशासन से अपील करता हूँ कि आप चेक करें, कोई दिक्कत नहीं चेक करने में, लेकिन जो धक्काशाही आप करते हो, नजायज करते हो व्यापारियों से, दुकानदारों से या ग्राहक से, और आप उसका चलान काट देते हो 500 रुपये का, तो एक धक्काशाही है। तो हम इसके खिलाफ़ में सभी व्यापारी, तो ये आप, हम प्रशासन से बार बार अपील करते हैं कि ये धक्काशाही बंद करें और लोगों को एजुकेट करें, मेडिकल फैसिलिटी बढ़ाएं, प्रशासन और सुविधाएं दें, एजुकेट करें, वीडियो एजुकेट करें, पेपरों में निकालें भी आप मास्क पहनो, सोशल डिस्टेंसिंग रखो, ताकि इस महामारी से हम सभी मिलकर लड़ सकें। ऐसा ना हो कि आप धक्के चलान कर दो, ये क्या बात हुई, कुछ तो पहले ही काम नहीं है कोविड-19 करके, और कुछ आप चलान काटे जा रहे हो, ये तो एक बहुत धक्केशाही है, हम इसके खिलाफ है, ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये भी देखा गया, दुकान में कस्टमर नहीं है, फिर भी पुलिस आकर मास्क नहीं लगाया हुआ है व्यापारी ने, और फिर भी चलान काट रहे हैं, तो नहीं, बिल्कुल गलत है, सरेआम गलत है। एक व्यापारी अपनी दुकान पे अकेला बैठा है, वो मास्क उतार भी, उसने चाय भी पीनी है, पानी भी पीना है, रोटी भी खानी है, तो मास्क पहने पहने खाए क्या रोटी वो, या चाय मास्क पहने पहने पिए क्या? बिल्कुल सरेआम गलत है, ये धक्केशाही है, हम बिल्कुल खिलाफ हैं। प्रशासन ने ऐसी हिदायत बिल्कुल ना दें पुलिस वालों को, और हम ये सब कहते हैं कि कोविड-19 है, इसको सब मिलजुल के प्रयास करें, इससे लड़ा जाए, ताकि इस महामारी से बचा जा सके। आप मेडिकल फैसिलिटी बढ़ाएं, प्रशासन से अपील करते हैं, मेडिकल फैसिलिटी बढ़ाएं, सेंटर बढ़ाएं, चेकिंग करें, वो बात करें, आप इधर की तरफ क्यों जा रहे हो, धक्केशाही क्यों करो पब्लिक से? तो ये सरेआम गलत है, हम इसका विरोध करते हैं, पुरजोर विरोध करते हैं, ये चलान बिल्कुल बंद कर दिया जाए आज से। हम प्रशासन से बार बार हाथ जोड़ कर विनती करते हैं कि पब्लिक से, व्यापारियों से, कस्टमर से किसी प्रकार की धक्केशाही ना करें। ठीक है, गाइडलाइन होम डिपार्टमेंट की, तो इसका सख्ती से पालन करें और लोगों को एजुकेट करें, ना कि धक्केशाही। सतीश गुप्ता, ऐसे है कि सोशल डिस्टेंसिंग तो होनी ही चाहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और उसमें कोई दो मत भी नहीं है, लेकिन सवाल इस बात का है कि वो कहाँ कारगर है, कहाँ उसकी ज़रूरत है, कहाँ नहीं ज़रूरत है। एक आदमी अपनी गाड़ी में अकेला ड्राइव करके गाड़ी जा रहा है, गाड़ी बंद है, शीशे बंद है, एसी चल रहा है, और उसने अपना मास्क नीचे किया हुआ है और उसका चलान काटते हैं, तो क्या ये कैसे ठीक हो सकता है? उसको उसकी सोशल डिस्टेंसिंग कहाँ कम हुई, और उसका किसको ख़तरा है, उससे कोरोना जो है उसमें कहाँ उसकी ढील है, या किसी उसका किसी को क्या नुकसान हो सकता है? ऐसे ही ऑफिस में बैठे हैं, फैक्ट्री में बैठे हैं, कोई ग्राहक आया है, दो ग्राहक आ गए और दोनों बैठे हैं एक पास में, और पुलिस आई, उसने चालान काट दिया, क्या इसका मतलब, क्या ठीक कह सकते हैं, इसको कैसे ठीक कह सकते हैं? वैसे तो कोरोना की वजह से वैसे ही काम है ही नहीं, ग्राहक आते ही नहीं है, अगर कोई ग्राहक आ भी जाए तो लेने वाला होगा या नहीं होगा इसकी भी गारंटी नहीं है, अगर लेने वाला है या नहीं है, अगर दो ग्राहक इकट्ठे आ गए हैं तो उनको सोशल डिस्टेंसिंग उनकी, मतलब पहले उनको ये कहें भी आप 6 फुट दूर होंगे या बाहर खड़े हो जाओ बात करने के बाद में, ये तो मतलब बिल्कुल नाजायज़ है। एक्चुअल में क्या है कि जो फैक्ट्रीज़ में वर्कर काम करते हैं, वहाँ पर कई जॉब ऐसे भी होते हैं जो पास दो व्यक्तियों के इकट्ठा बैठ के काम करना पड़ता है, उनको मास्क लगा के रखना चाहिए। अगर किसी का मास्क किसी वजह से काम करते हुए नीचे भी हो गया है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि उसका ऑफेंस हो गया, उसको चलान काट दो, ये नहीं चाहिए। उसको कहा जा सकता है कि भाई थोड़ा ध्यान रखो, मास्क का नीचे नहीं होना चाहिए। ये मतलब चलान काटने वाली, ये तो एक गुंडागर्दी वाली बात होगी,
क्या आपने उनके काम करने नहीं देना, लोगों को किसी तरह से भी मतलब उनका जो काम है वो चले, इसकी तरफ तो कोई मतलब ही नहीं है आपका। आपको तो ये है कि चलान काटना है तो काटना है, व्यापारी वैसे ही दुखी है, उस काम पहले ही नहीं है, पहले 3 महीने बंद रहा है, बंद के बाद काम शुरू हुआ है, ग्राहक आता नहीं है, अगर आ भी जाए लेके नहीं जाता है, अगर लेके जाना है उसने तो उसका चलान काट दो। तो ये तो मतलब ये हो गया कि घर से कोई निकले ही ना। अब आप प्रशासन से क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं इसको थोड़ा सा व्यवहारिक बनाए, चलान काटना जो है ये कोई चलान काटना मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि चलान काटना ही है, इसको व्यवहारिक बनाए। अगर कहीं आपको ये लगता है उनको समझाएं कि भाई ये थोड़ा इस बात का ध्यान रखो, चलान काटने की वजह अगर कहा जाए समझाया जाए तो उसका ज़्यादा असर होगा। चलान काटने से क्या होगा, चलना लोगों में दहशत फैल जाएगी, लोग घर से निकलना बंद कर देंगे और कारोबार जो पहले नहीं है वो बिल्कुल ही ठप हो जाएगा। मेरा नाम सुनील पसीन है। ऐसा है कि व्यापारी का क्या कसूर है? अगर तो व्यापारी मास्क उतार के बैठता है अपनी दुकान पे अकेला बैठता है तो हो सकता है किसी समय वो इरिटेशन फील कर रहा हो, उसने उसमें अकेला बैठा है, उससे नहीं होना चाहिए। अगर कस्टमर आते हैं उसके पास कोई बाहर से आ रहा है, दूसरा बंदे 4 बंदे 6 बंदे हो गए हैं, फिर मास्क ज़रूरी होना चाहिए, ठीक है। और अगर वहाँ पे कस्टमर आके उसका मास्क नहीं है तो दुकानदार का चलान क्यों हो? चलान तो उसने उस कस्टमर का होना चाहिए जो बिना मास्क के आया है, जो गवर्नमेंट के रूल को फॉलो नहीं करता, उसका चलान होना चाहिए। दुकानदार तो पहले ही मरा पड़ा है कोविड की वजह से, उसके पास तो पहले ही कस्टमर नहीं है, उसके पास कस्टमर बिल्कुल नहीं है। सेल उसकी जो पहले 20% रह गई है या 10% सेल रह गई है, क्योंकि तो बिल्कुल खाली बैठे हैं और पहले ही गुजारे नहीं चल रहे, और गवर्नमेंट ऐसे करने लगेगी तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। व्यापारी कहाँ जाएगा, क्या करेगा, ऐसा होना नहीं चाहिए। राजेंद्र जैन, देखिए ये जो कोरोना बीमारी है ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है भी सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ धोना बार बार, इसको पालन करना चाहिए। ये हम दूसरे के लिए नहीं अपने लिए करते हैं, लेकिन यदि प्रशासन इसमें सख्ती बरतता है और लोगों के नजायज चलान काटता है, ये कोई सल्यूशन नहीं है इसका। ये लोगों को एजुकेट करें, उनको शिक्षित करें भी इससे आपका क्या नुकसान हो सकता है। यदि इस तरह की कोई शिक्षा देंगे और चलान ना काट के फाइनेंशियली अगले का नुकसान ना करके केवल उनको एजुकेट करेंगे तो भी काम चल सकता है, वो ज़्यादा कारगर होगा। मुझे ये लगता है भी प्रशासन को अपना चलान ना काट के अगले का फाइनेंशियल नुकसान ना करके केवल और केवल एजुकेट करना चाहिए, वार्निंग देनी चाहिए, जहाँ बहुत ज़्यादा फिर भी लोग नहीं मानते फिर इसका वो करना चाहिए कि चलान काटें, इससे ज़्यादा लोगों को फायदा होगा और उन पर असर भी होगा। जैसा कि चंडीगढ़ के व्यापारियों ने बताया कि पुलिस महकमे द्वारा जो सख्ती बरती जा रही है वो किसी हद तक नजायज़ है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ मैं राहुल तिवारी, अर्थ प्रकाश न्यूज़ चंडीगढ़। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।